हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी, कन्नू के पापा की थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है और ये चलती है ड्यूटी, और ड्यूटी जाना है बहुत जरूरी, क्योंकि ये कल भी सारा दिन यहाँ पे काम करते रहे और बहुत ज्यादा फोन आ रहे थे, बहुत ज्यादा बैंक में काम पेंडिंग हो जाता है इनका। तो जी, मैंने भी सोचा कि चलो जाने देते हैं इनको, और कपड़े इनके दूसरे दे दिया, अगर भीग जाएंगे तो दूसरे पहन लेना। और आज जाना है शादी में इनको शाम को, है ना? वो नहीं बताओगे, देखो कितनी खुशी आई उसके चेहरे पर सुनते ही। तो शाम को शादी में भी जाना है इनको लेके। और इधर कन्नू को भी सोच रहे हैं कि आज इसको भी लेके जाए, क्योंकि इसकी बुआ इसको बहुत याद कर रही है और वो तो मान ही नहीं कि इसको छोड़ के आएगी तो बात नहीं करना है, और आरुष तो गुस्सा हो जाएगी, तो इसको भी लेके जाएंगे। तो जी देखिए, सारा काम निमट चुका है, झाड़ू पोछा इधर, और कपड़े मैंने निकाल दिया कन्नू के पापा के, और कन्नू के भी इधर निकाल दिए है यहाँ पे, जो भी पहनने के लिए जाने हैं। और मैंने ये वाली चूड़ी पहनी है आज, ये वाली चूड़ी पहनूंगी अभी, एक हाथ में पहनी है, और ये स्टोल और साड़ी तो आपको पता ही है, येलो कलर की साड़ी है नेट वाली, वो ही पहनूंगी, वो अच्छी लगती है मुझे, वो भी ज़्यादा। आपके पैर गीले कर दिए? हाथ गिल्ला कर दिया कन्नू का। मैंने कंडीशनर किया है आज बालों में, आज फ्राइडे वैसे हैं, और तो कंडीशनर करने के बाद में अच्छे हो गए हैं बाल। और आपको दिखा देते हैं, किचन वगैरह भी साफ कर दिया, सबने खाना वाना भी खा लिया है। आज जाएंगे हम शादी में, तो थोड़ा अपना गले का सेट और निकाल लेती हूँ, ये ओम तो पहन ही रखा है मैंने। तो जी देखिए, कपड़े मैंने धो दिए, पानी ड्रेन कर दिया है, आज पानी भी इसमें ही निकालूंगी मैं, और फिर इसमें सुखा दूंगी कपड़ों को, और बस कपड़े कपड़े रह गए हैं। और कन्नू मेरा बहुत ही ध्यान रख रहा है मेरा आज, ये मेरा बाबू ये कह रहा है कि मैंने आपके क्रीम है ना वहाँ पे रख दिया है। तो जी देखिए, इधर का सारा फर्ज भी मैंने धो दिया था, ये देखिए बहुत ही गंदा हो रहा था, ऊपर से ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। और कन्नू ने अपना फ़ोन भी ले लिया है ग्रीन कलर का, और बैठक में भी आज बहुत गंदा कर रखा था कन्नू के पापा ने, तो आज झाड़ू पोछा लगा करके आ गई मैं। मेकअप किया है और सारी की सारी आईज मेकअप देखे कितना अच्छा, और हेयर स्टाइल ये देखिए, हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छा किया है। तो अगर किसी को मेकअप कराना है तो प्लीज सालो दीदी से कराए। देखिए तैयार हम हो गए हैं दोनों के दोनों, और बस अभी चलने की तैयारी है, और ये कन्नू भी तैयार है। कन्नू तैयार हो क्या आप? हाँ, कन्नू भी तैयार है बस। और आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है, और आपको तो पता ही है मेकअप मेरा सालों दीदी ने किया है। इतनी ज़ोर से बाइक चलाते हैं ना, आगे भी नहीं देखते कि बच्चे आ रहे हैं या कुछ आ रहा है, कभी कभी तो बच्चों का एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पे सामने ही, जो हमारे घर से बाहर जाते ही रोड आता है ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक चलाते हैं कोई कोई तो, बहुत ही ज़्यादा, एक दो बार तो बच्चों के मेरे सामने ही बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। आपने जोड़ दिया वो? हाँ, दिखाओ। हाँ, वो तो कन्नू ने जोड़ दिया, उसमें उसका पहिया निकला हुआ था, तो कन्नू ने उसको जोड़ दिया है। और बैग भी जो है हमने कन्नू के पापा का तैयार कर लिया है, एक बैग में कपड़े लेके जाएंगे, और मैंने तो कार्डिगन और स्टोल भी डाल लिया है, क्योंकि अगर जैसे भी होगा देखी जाएगी, संजू दीदी को दे देंगे अपना स्टोल और कार्डिगन थोड़ी देर के लिए, अगर वे लेंगी तो, अगर सबने पहने रखा तो हम भी पहने रखेंगे अपना स्टोल और कार्डिगन, है ना कन्नू? और कन्नू को तो हमने बिल्कुल पैक कर दिया कपड़ों में। आ चुके हैं ये पानीपत से, शादी में आए हैं, और इन्होंने सोचा कि चलो शादी तो शाम की है, तब तक मेरे से मिल ले, तो ये मेरे ऑफिस ही आ गई है बैठने के लिए, और इन्हें यहाँ पे आके अच्छा लगा, मुझसे मिलने आए हैं ऑफिस में, और देखो कितने मजे ले रही है, और वाईफाई नेट ऑन कर लिया और इसमें कुछ चला लिया अपना फ़ोन, और ये बैठी है अब कह रही है कि हमें कुछ शॉपिंग करा दो थोड़ी सी, तो अभी मेरा लंच होने वाला थोड़ी देर में, मैं लंच में जाऊँगा तो मैं कुछ शॉपिंग करा के लाता हूँ। फिलहाल तो ने सोचा कि तुम चाय पियो बैठ के, और कुछ खाने के लिए मंगवाना है तो वही बोलता हूँ, कुछ खाएंगे भाई? मने कर रही है।
अभी शादी में आए हुए, शादी में खाएंगे, अब यहाँ कहाँ खाएंगे। और उधर बॉबी इंतजार कर रही है और कन्नू का फोन आया। कन्नू कह रहा है कि पापा जी गाड़ी भेज दो हमारे लिए, हमें बुला लो शादी में, वहाँ तो आप सबके साथ हो, हम यहाँ अकेले अकेले हैं। तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर हो जाती है तो उनको गाड़ी लेके आएंगे, वे भी आ जाएंगे शादी में। वैसे तो बारिश का मौसम है और सर्दी काफ़ी है, शादी में थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं जाने के लिए, पर फिर भी जाएंगे। इतनी मोटी जैकेट पहन के आई है, सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही इस लॉन्ड्री को, है ना। और ये कह रही कि मुझे गर्म कुर्ती दिलवा दो एक, तो चलो इसको दिलवा देता हूँ, जब बोल रही है तो ये अच्छी सी गर्म कुर्ती दिलवा देता हूँ। और उसको तो ईयर रिंग चाहिए, और वो लेके भी तो आई मार्केट से ईयर रिंग, ये ऐसी चीज़ को पसंद आती है। ये डायमंड के है, किसके है? कह रही आर्टिफिशियल है ये तो, पर मुझे तो लग रहे हैं जैसे कि हीरे के लग रहे हैं, और जो गोल्ड के थे उसको निकाल के आगे करती है। कन्नू तैयार हो गया है, कन्नू ने ग्लव्स भी पहन लिए है और चश्मा भी लगा लिया है, भी रेडी है। और मैं तो रेडी हूँ बहुत देर से, एक घंटे एक दो घंटा हो गया, और मैंने पहनी है ये वाला सेट चूड़िया। देखिए मेरी चूड़िया कैसी लग रही है, येलो और कंगन काफी बड़े बड़े हैं। बस आज मम्मी रह जाएगी अकेली, क्योंकि कन्नू भी हमारे साथ जाओगे, क्योंकि कन्नू भी हमारे साथ जाएगा और विभोर तैयार होकर के जाएगा हमारे साथ में। ऐसा नहीं है कि हम अकेले जाएंगे, विभोर जाएगा और कन्नू के पापा तो वहाँ पे जा ही चुके हैं, वे हमें वहाँ पे रिसीव कर लेंगे। ये देखिए विभोर भी तैयार हो रहा है, और ये घड़ी रह गई थी इसकी, बांधे भी ना, और घड़ी बांध रहा है ये। तो जी देखिए कन्नू के पापा अपनी दीदी को शॉपिंग करा रहे हैं, संजो दीदी को ये कुर्ती समझ में आ गई है, और ये क्रीम कलर की और जो आसमानी कलर की है, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसका गला जो है बोट नेक का गला है, मुझे भी दिखाई इन्होंने, और यहाँ से भी फिटिंग करके भी यहाँ से ही देंगे। और जी देखिए इन्होंने कैप भी लगा लिया, पूरी मस्ती भी कर रहे हैं अपनी दीदी के साथ में ये, और बहुत ही इंजॉय करते हैं जब भी इनसे मिलते हैं बच्चों के साथ में। और देखिए ये खा रहे हैं गोलगप्पे, गोलगप्पे हैं, कन्नू को भी पसंद, कन्नू के पापा को भी, और आरुषि को तो बेहद पसंद है, ये घर पे भी बनवा करके खाती है। तो और आरुषि है ना अपने मामा के साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, और हम भी आ गए थे मैरिज होम में, और कन्नू के पापा के लिए हम कपड़े लेकर के आ गए थे, और कन्नू अपने पापा से मिलके बहुत खुश हो रहा था। मेरे पापा मिल गए, मेरी बुआ जी मिल गए, संजय बुआ, आरुषि से सबसे मिलकर के बहुत ज़्यादा खुश। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मैरिज होम है ये भी, और ये है पता नहीं कौन सा, पहले से मेरे नाम याद नहीं रहा। और ये है इनका भांजा, सबसे बड़ा भांजा गोल्डी, और ये अपने मामा जी के साथ मस्ती भी करता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करता है। और कन्नू यहाँ पे है ना मुझे खींच के ले जा रहा है, मैं कह रही हूँ बेटा रहने दो मेरे, मुझे खींच के मत लेके जाओ। और ये कह रहा है मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, जबकि आइसक्रीम खिलाएंगे तो ठंड लग जाएगी। और ये है निक्की, निक्की इसका बहुत ही लाड़ करता है, और ये देखिए इसके साथ साथ रहना पसंद करता है। और जब भी हम पानी बच जाते हैं ना, निक्की इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, पार्क में भी घुमाने के लिए लेकर के जाता है। और कन्नू के पापा इसको है ना पूरे पार्क में घुमा रहे हैं, और हाय बोल रहे हैं सभी, और निक्की अपनी मम्मा से बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, और उनके सामने जा जाके इस तरह जा रहा था, वे यहाँ से के आते ही निकल लेते, क्योंकि ये सबको परेशान करता है, और इसकी बाजी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इसलिए वे हमारे साथ में नहीं आ पाई है। वे है ना इस रूम में आराम कर रही थी, और आरुषि और मैं और कन्नू फिर उन्हीं के पास आ गए थे सारे के सारे, क्योंकि उनकी जो उल्टी की प्रॉब्लम होती है उनको। और यहाँ पे देखें दूल्हे की एंट्री हो गई है, ये देखिए जी दूल्हे की एंट्री से के बाद यहाँ पे सफ़ेद सा कपड़ा लगाया जाता है, और फिर जो है हमारे यहाँ पे जो साली साहिबा हैं और जो भाभी है दुल्हन की, वो है ना आरती करती है। अब दुल्हन की एंट्री हो गई है, ये दुल्हन तैयार होकर के आ गई थी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। देखिए डांस हो रहा है दुल्हन का, और बहुत ही अच्छा डांस किया है इन्होंने, और काफ़ी गानों पे डांस किया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा सभी को ये सब देख करके। और
ये देखिए संजो दीदी की साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी और मैंने सोचा इसका एक फोटो ले लिया जाए। ये देखिए देखिए ये जो दूसरी थाली आई है लग करके ये पीसी बंदे के लिए पीछे देख लिया। हाँ बोल गोल्डी कुछ तो बोल भाई मैडम जी पानी पियोगे या कुछ खाओगे भी? कुछ नहीं खाना। तो आप जानते ही हो इसने है ना भैया दोस्त वाले दिन भी अपने मम्मा जी को नहीं छोड़ा, धक्के मार के बाहर काटा दुकान में से। चलो 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 जल्दी चलो अपने घर चलो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शुभम पाल है, हमारे कपड़ों की दुकान है। और ये देखिए जी यहाँ पे मैरिज होम की जो एंट्री है वो यहाँ की कुछ इस तरीके की है, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी। और यहाँ पे ये जो है इनका भांजा बहुत ही मस्ती कर रहा है और संजो दीदी हम सभी के सभी अब घर की ओर रवाना होंगे। और हमने बहुत ही इंजॉय किया इस पार्टी में भी। तो जी हमारा वीडियो ये आपको कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।